My school. Every day in hot and cool, I daily go to my school. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फोनिक प्राइमर एक्टिविटी प्रिंट की बुक में आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे इस पेज में लिखा है राइट द करेक्ट वर्ड, यानी कि हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिए हैं उनके करेक्ट वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैंने बताया था आगे कि ये जो पिक्चर है वो किसका है, पेड़ का, PAD, यानी कि पेड़। फिर ये जो पिक्चर है वो किसका है, मैंने आपको आगे बताया था, TAP, यानी कि टैप। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमें ये जो पिक्चर है वो किसका दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया था ये पिक्चर है वो किसका है, DAD, यानी कि डैड। फिर ये जो पिक्चर है वो किसका है, मैंने आपको आगे बताया था, MAP, यानी कि मैप। तो देखो बच्चों, आपको भी मेरे साथ ऐसे ही पिक्चर्स देखना है और उनके करेक्ट वर्ड आपको आपकी बुक में लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो किसका दिखाई दे रहा है, मैंने आपको आगे बताया था ये जो पिक्चर है वो किसका है, लेड, LAD, यानी कि लेड। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो किसका दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको आगे बताया था ये जो पिक्चर है वो किसका है, NAP, यानी कि नेप। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये जो पिक्चर है वो किसका है, मैंने आपको आगे बताया था, SAD, यानी कि सैड। फिर ये जो पिक्चर है वो किसका है, मैंने आपको आगे बताया था, CAP, यानी कि कैप। तो बच्चों, आपको भी मेरे साथ ऐसे ही पिक्चर्स देखना है और उनके करेक्ट वर्ड आपको भी मेरे साथ आपकी बुक में लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, मैच द वर्ड विद द पिक्चर, यानी कि हमें यहाँ पे एक साइड पे वर्ड दिए हैं और एक साइड पे हमें उसके पिक्चर दिए हैं, तो हमें वो पिक्चर मैच करके जोड़ना है। तो चलो बच्चों, आओ देखते हैं सबसे पहले कौन सा वर्ड दिया है, CAP, यानी कि कैप। तो हमें कैप कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा कैप। फिर हमें कौन सा वर्ड दिया है, MAP, यानी कि मैप। तो हमें यहाँ पे मैप कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा मैप। फिर हमें कौन सा वर्ड दिया है, NAP, यानी कि नेप। तो मैंने आपको बताया था कि नेप का पिक्चर कैसा होता है, तो ये रहा नेप। फिर हमें कौन सा वर्ड दिया है, TAP, यानी कि टैप। तो हमें इस पिक्चर में टैप कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा टैप। फिर हमें कौन सा वर्ड दिया है, DAD, यानी कि डेड। तो पिक्चर कहाँ है, तो ये रहा डेड का पिक्चर। फिर कौन सा वर्ड दिया है, LAD, यानी कि लेड। तो हमें यहाँ पे लेड का पिक्चर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा लेड। फिर कौन सा वर्ड दिया है, PAD, यानी कि पेड़। तो हमें यहाँ पे पेड़ का पिक्चर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा पेड़। फिर हमें लास्ट में कौन सा वर्ड दिया है, SAD, यानी कि सैड। तो हमें सैड का पिक्चर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा सैड। तो बच्चों, आपको भी मेरे साथ ऐसे ही वर्ड करेक्ट करके पिक्चर्स जो दिए हैं उनके साथ हमें मैच करना है। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे मैच करते हैं, तो आपको भी आपकी बुक में जो पिक्चर्स और वर्ड दिए हैं वो मेरे साथ मैच करके ज्वाइन करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, लिखा है सर्कल द करेक्ट वर्ड,
यानी कि हम यहाँ पे जो पिक्चर दिए हैं उनके करेक्ट वर्ड पे हमें सर्कल करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया है वो किसका दिया है, मैंने आपको बताया था ये जो पिक्चर है वो किसका है, एन ए पी यानी कि नेप। तो हमें यहाँ पे जो दो वर्ड दिए हैं उसमें से नेप कहाँ है, तो ये रहा नेप। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर हमें ये जो पिक्चर है वो किसका दिया है, मैंने आपको बताया था टी ए पी यानी कि टैप। तो हमें टैप वर्ड के ऊपर सर्कल करना है, तो ये रहा टैप। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो पिक्चर है वो किसका दिया है, मैंने आपको आगे बताया था एल ए डी यानी कि लेड। तो हमें यहाँ पे लेड वर्ड कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा लेड। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो किसका दिया है, मैप, एम ए पी यानी कि मैप। तो हमें यहाँ पे मैप वर्ड कहाँ दिया है, तो ये रहा मैप वर्ड। तो देखिए मैंने यहाँ पे उसके ऊपर सर्कल किया है। तो बच्चों आपको भी मेरे साथ ऐसे ही पिक्चर्स देखना है और उनके जो करेक्ट वर्ड हो उनके ऊपर हमें सर्कल न करना है। तो ऐसे ही बच्चों आपको भी मेरे साथ ऐसे ही पिक्चर्स देखते जाइए और करेक्ट वर्ड के ऊपर सर्कल कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दिया है वो किसका है, मैंने आपको आगे बताया था पी ए डी यानी कि पेड। तो हमें यहाँ पे पेड वर्ड कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा पेड। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर हमें यहाँ पे ये जो वर्ड है वो किसका दिखाई दे रहा है, मैंने आपको आगे बताया था सी ए पी यानी कि कैप। तो हमें यहाँ पे कैप वर्ड कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा कैप। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये जो पिक्चर है वो किसका दिया है, डी ए डी यानी कि डेड। तो देखिए ये रहा डेड वर्ड। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये जो पिक्चर है वो किसकी दी है, मैंने आपको आगे बताया था एस ए डी यानी कि सैड। तो देखिए ये रहा सैड वर्ड। तो देखिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया। तो बच्चों ऐसे ही आपको भी मेरे साथ आपकी बुक में भी जो पिक्चर्स दिए हैं वो देखते जाना है और जो सही वर्ड हो उसके ऊपर हमें राउंड करना है। थैंक यू बच्चों।